गल्ला मैनू इंज समझ आवे जिवें मैं निक्की जिही बच्ची आ। सियाणियां दे वांगू मैनू लोकां तों बचावे जिवें मैं तां अकल दी कच्ची आ। तू गल किसे नाल करदी दिल अंदरों अंदरी सड़दा, फिर कहनी है क्यों मैनू कि तू मेरे नाल क्यों लड़दा, तू मेरे नाल क्यों लड़दा। वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाना है तेरे नाल रहनिया बाय शर्ली सेठिया और गुड नजर चट्ठा। इनका इन दोनों का एक गाना बहुत स्टार्टिंग में जो बहुत ज्यादा हिट हुआ था, उस गाने का नाम था मतलब नाम क्या, मैं से एक लाइन ही गा रही हूँ, वे तेरे बाजों कोई भी नहीं मेरा। ये गाना इतना जबरदस्त हिट हुआ था, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स जो थे उन पर भी गाना बहुत ज्यादा हिट था, यूट्यूब पर तो ऑलरेडी बहुत हिट था। एंड उन्हीं दोनों का एक ये डुएट कहेंगे हम इसको, गाना रिलीज हुआ है। सुनते हैं, देखते हैं कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है इस गाने में। लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यू कैन गो, यू कैन फॉलो मी देयर। बट प्लीज गाइज, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। एंड ऑल्सो अगर आपने गुड नजर चट्ठा इनके साथ मेरा एक थोड़ा साइलेंट वाला इंटरव्यू, मतलब मैं बहुत बकबक कर रही थी लेकिन उस वक्त उनका गला खराब था तो वो ज़्यादा नहीं बोल पा रहे थे, बट दैट्स फाइन। वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, आप वो इंटरव्यू देख सकते हो और बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। फिलहाल करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। ओ यार, इतना लंबा लॉकडाउन, गूगल मैप्स लगा के आए रे, मैं तो कॉलेज का रास्ता ही भूल गया। ब्रावा, लबो कोई कुकड़ कटिए किसी दा चलान असि भी हुण इत्तो नहीं होना कुछ भी। आधा साल इने कटता ते आधा कोविड ने, तैनू ही कुछ करना पैणा है। फिर मैं की करां? ओ तू जिन्ना उत्ते दूर जाएंगी ना ओ उन्ना ही तेरे पीछे आऊगा, ओ गारंटी मेरी। कभी कभी नहीं चलता ये सब। मैनू सोचना नहीं पैंदा कुछ भी, बोलण तू पहला मैनू सोचना नहीं पैंदा, दिल दी खोलण तू पहला तेरी दिल वाली गल वे मैं यारा, तेरी अखियां चो पढ़ लैनियां ताही ता तेरे नाल सच्ची दसा तू बड़ी प्यारी लगदी है, तेनू सच्ची दसा क्यूट मैनू बाली लगदी है, ओ तेनू करे ना कोई भी परेशान, यही रख दे ख्याल रहने ताही ता तेरे नाल रहने है नी, ताही ता तेरे नाल रहने ताही ता तेरे नाल रहने है नी, ताही ता तेरे नाल रहने। So cute. तू गल किसे नाल कर दी दिल अंदरों अंदरी सड़दा, फिर कहनी है क्यों मैनू कि तू मेरे नाल क्यों लड़दा, तू मेरे नाल क्यों लड़दा।
एक तू ही है नजर जिंदी डांट नू मैं प्यार नाल जर लनिया ताही ता तेरे नाल रनिया हाय वे ताही मैं तेरे नाल रनिया ताही ता तेरे नाल रनिया हाय वे ताही मैं तेरे नाल रनिया गोरे मखड़े ते तिल माहिया गोरे मखड़े ते तिल माहिया दे तेरे तो जानवर दी तेनु दिता होया एक छोटा जा ख्वाब मेरा एक निका जया ख्वाब मेरा और कुछ मिले ना मिले मैनू चाहिदा है साथ तेरा और कुछ मिले ना मिले मैनू चाहिदा है साथ तेरा और कुछ मिले ना मिले मैनू चाहिदा है साथ तेरा। बड़ा ही क्यूट सा गाना था जिस तरीके से उन्होंने गाया ना इतने क्यूटली इतना बढ़िया गाना वीडियो इतना सही था। ओके इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही क्यूट सा और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे रिलेटेबल सा गाना हो सकता है ये। लिरिक्स वाइज भी बोल रही हूँ मैं वीडियो की तरफ से भी बोल रही हूँ दोनों चीज़ें बिल्कुल ही ऐसे रिलेटेबल सी थी बहुत सिंपल से लिरिक्स जा रहे थे इसके। एंड यस ऑब्वियसली ये कमर्शियल सॉन्ग था और एंड में जो वो लाइन आई वो बिल्कुल वो वाली कॉम्पोजिशन थी जो पंजाबी फोक की भी है वो चिट्टा कुकड़ बने रहते मेरे गाने पे नहीं जाने का लेकिन हाँ वो कॉम्पोजिशन कहीं पे भी किसी भी गाने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। हाँ रोमांटिक ट्रैक होना चाहिए मतलब ऐसा कुछ सूदिंग सा गाना होना चाहिए वो ओल्ड स्कूल मित्रा दी वाइब वाली में ये नहीं चलेगा चिट्टा कुकड़ बने रहते वाली कॉम्पोजिशन। हाँ जी बहुत मतलब मैं तो ऐसे उस वीडियो के जोन मतलब एक होता है ना आप बिल्कुल डूब से जाते हो अपने आप ही ऐसे चेहरे पे स्माइल आ रही है वीडियो को देख के। एक तो इन दोनों की आवाज साथ में जब आती है साथ में जब ये लोग गाना गाते हैं तो बहुत ज्यादा बहुत ऐसे वो रोमांटिक वाइब्स क्रिएट हो जाना मतलब बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का साथ में आके गाना गाना। आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है शिर्ले सेतिया ये तो दिखती भी बहुत क्यूट हैं। यही कहना चाहूँगी मैं सही बताऊँ तो म्यूज़िक पे इतना ध्यान ही नहीं गया क्योंकि सारा दिमाग जा रहा था वीडियो में लिरिक्स में इन दोनों के एक्ट में तो ध्यान इसी तरफ गुम था बिल्कुल म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस गया ही नहीं। बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी जो बीच में वो बीट आ रही थी वो अच्छी लग रही थी और म्यूजिक के बारे में ज्यादा बोल भी नहीं पाएंगे ना क्योंकि ज्यादा नॉलेज नहीं है हमको लेकिन हाँ एंजॉय जरूर किया इस गाने को एंड डेफिनेटली ये गाना रील्स पे बहुत हिट होने वाला है होने वाला है। लिरिक्स इस तरीके के हैं लिरिक्स ऐसे से हैं जो बड़ी जगह पे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। एंड यस दैट वॉज द रिएक्शन कैसा लगा बताना कॉमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब चैनल हिट द बेल आइकन वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।